HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूँ साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मीरा भाईंदर में 26 जनवरी के मद्देनजर रखा गया जनसंपर्क कार्यालय में दिव्यांग सहायक शिविर। सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु विधानसभा क्षेत्र में किया गया जन चेतना चौपाल का आयोजन। शिवसेना के आयोजित कार्यक्रम में SSC सराव परीक्षा भाईंदर पश्चिम विभाग आयोजक रहे मौजूद। मीरा भाईंदर महानगर पालिका मुख्यालय के सामने किया गया एक दिन का आंदोलन। और रीवा में नई गढ़ी ब्लॉक अंतर्गत शिक्षा विभाग में तानाशाही करने में जुटे शिक्षक। और अब खबरें विस्तार से। ठाणे से सटे मीरा भाईंदर में दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और सेंसर स्टिक वितरण का काम किया गया। केंद्र सरकार और खासदार राजन विचारे के सहयोग से मीरा भाईंदर के दिव्यांग लोगों की मदद की गई। ठाणे से सटे मीरा भाईंदर में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना के खासदार राजन विचारे और शिवसेना के आमदार प्रताप नायक इनके संयोजन से मीरा भाईंदर ईस्ट हार्ड केस मंगल नगर में आमदार प्रताप सरनायक जनसंपर्क कार्यालय में दिव्यांग सहायक शिविर रखा गया था और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और सेंसर स्टिक वितरण का कार्यक्रम किया गया। शिवसेना का जन्म ही उसके लिए हो गया। शिवसेना में राजनीति सिर्फ 20% की जाती है और समाज सेवा 80% की जाती है। आज हमारे लोकप्रिय खासदार श्री राजन जी विचारे, इन्होंने उनके कार्यकाल में पहली बार दिव्यांगों का इतना बड़ा शिविर नई मुंबई मीरा भाईंदर और थाने में दे दिया। 25 तारीख को नई मुंबई में हो गया, 26 को यहाँ पे हो रहा है और 27 तारीख को कल थाने में होगा। मैं सबसे पहले आज के प्रजासत्ता दिन के मुहूर्त में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्यों थाने लोकसभा मतदार संघ में पहली बार किसी सांसद ने ऐसा पवित्र काम करने के लिए केंद्र शासन के पीछे और खासकर ये जो दिव्यांगों के लिए काम करने वाली जो संस्था है उसके पीछे लगकर उन्होंने ये शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में एक ही दिन में जो जो 6-6 महीने 1-1 साल दाखला नहीं मिलता वो दाखला भी दिया जाएगा। और साथ ही में अपंगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपंग है, उनके लिए जो भी केंद्र शासन के माध्यम से योजना है वो योजना का पूरा फायदा देके उनको सभी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। खासकर अंध व्यक्ति के लिए जो स्टिक है, हमारे अपंगों के लिए व्हीलचेयर है, जो चीजें है कर्मबधिर लोगों के लिए जो काम में डालने के लिए चीजें चाहिए रहती वो हर चीज यहाँ पे उपलब्ध करने की उनकी जो योजना है, मैं इस मीरा भाईंदर शहर की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आखिर तक आपने मीरा भाईंदर के 550 से 600 जो विकलांग है जो हमारे पास कॉर्पोरेशन के पास जिनका नोंद है उनके लिए आपने जो काम किया है उसके लिए मैं उनका इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पिछले 1 साल से सांसद राजन जी विचारे इसके लिए पीछे केंद्र शासन के पड़े थे और आज उन्होंने वो काम करके ये जो योजना है वो मंजूर कर दी ठाणे लोकसभा के लिए। और जल्द ही महीने भर में सब लोगों को जो सुविधा है, जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें देने का कार्यक्रम भी हम मीरा भाईंदर में बहुत बड़े पैमाने पर करने वाले हैं, तो उसका सुविधा का लाभ भी जल्दी से जल्दी इनको हो जाएगा। केंद्र सरकार और खासदार राजन विचारे के सहयोग से मीरा भाईंदर के दिव्यांग लोगों को मदद की गई। मुंबई से संवाददाता मोहम्मद अनीस सिद्दीकी की रिपोर्ट, HBN न्यूज। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के मधुबेनिया चौराहे पर एक जन चेतना चौपाल का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के मधुबेनिया चौराहे पर एक जन चेतना चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सपा युवजन सभा के प्रदेश सचिव कमाल खान ने शिरकत की। वहीं सपा और बसपा का झंडा बैनर तो दिखाई दिया लेकिन बसपा के कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिए। पूरे स्टेज और ग्राउंड में सपा के कार्यकर्ता ही देखने को मिले। सपा कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन में जमकर भाजपा पर भड़ास निकाली और जनता से अपील की कि आगामी लोकसभा चुनाव में जाति पात को परे रखकर विकास के मुद्दे पर वोट करें। तानाशाह सरकार बैठी हुई है, इसको भगाने के लिए यहाँ लोगों ने संकल्प लिया है और सम्मिलित करके तानाशाह जो है देश से भगाने का काम किया है। और
गणतंत्र के पक्ष में वोट करें। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सचिव कमल खान ने कहा कि ये जन चेतना का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और तानाशाह सरकार को भगाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारी गठबंधन सभी सीटें जीतेंगी और विरोधियों की जमानत भी नहीं बचेगी। सीट का बंटवारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, इस पर हम कोई बयान नहीं कर सकते और पीएम भी राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। सिद्धार्थनगर से जिला संवाददाता सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, HBN न्यूज। शिवसेना के आयोजित कार्यक्रम में SSC सराव परीक्षा भाईंदर पश्चिम विभाग आयोजक आमदार मीरा भाईंदर, संपर्क प्रमुख प्रताप सरनाइक साहिब, शिवसेना उप जिला प्रमुख नगर सेवक संदीप मोहन पाटिल भी मौजूद रहे। शिवसेना आयोजित SSC सराव परीक्षा भाईंदर पश्चिम विभाग आयोजक आमदार मीरा भाईंदर, संपर्क प्रमुख प्रताप सरनाइक साहिब, शिवसेना उप जिला प्रमुख नगर सेवक संदीप मोहन पाटिल, उप जिला संगठक शुभांगी कोटियन, उप शहर प्रमुख केसरी सिंह ठाकुर, उप शहर प्रमुख पप्पू। मीरा भाईंदर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं 12वीं बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात करने आए हैं। सर बताइए। केसर सिंह ठाकुर, शिवसेना उप शहर प्रमुख। और सराव परीक्षा, ये स्वर्गीय आनंद दिघे साहब है ना, उन्होंने ये ठाणा जिले में पूरे सराव परीक्षा लेते हैं SSC बोर्ड की। तो 3 संडे कंटिन्यू चालू रहती है और 3 संडे में जो पालक को मालूम पड़ता है कि कौन से विषय में मैं कमज़ोर हूँ, कौन से विषय में मेरे को स्टडी करना चाहिए, इस प्रकार के लिए साहब ने एक बहुत अच्छी रचना रची थी। तो वो सालों साल से चलती आ रही, हर समय हम लोग SSC बोर्ड की परीक्षा से पहले ये परीक्षा, हम सराव परीक्षा लेते हैं। खाली SSC है, 12वीं वगैरह नहीं। तो अभी 3रा संडे लास्ट है, आज लास्ट पेपर है। तो मीरा भाईंदर में कम से कम हमारे बच्चे लोग यहाँ पर उत्तम राई, मुर्दा, मुरवा, भाईंदर पेस्ट में 1000 के करीबन हैं जिन्होंने फॉर्म लेके गए। तो 7,740 बच्चे जो है इनडायरेक्टली मतलब परीक्षा में भाग लिया है। आपका? मैं इस पप्पू विशेष सूचना उपशर प्रमुख। स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने ठाणा जिले में, आज 29वां साल है उनका जो SSC सराव परीक्षा चालू किया है उन्होंने, उसके आगे उन्होंने हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने उसको आगे बढ़ के वो चालू ही रखा है और हम चालू रखना चाहते हैं। और ये SSC सराव परीक्षा जो है आज मीरा भाईंदर में जो आयोजन हुआ है वो कार्य सम्राट आमदार प्रताप जी सरनाइक साहब इनके मार्गदर्शन के नीचे आयोजन किया गया है। और यहाँ भाईंदर वेस्ट में ही नहीं बल्कि मीरा भाईंदर में ईस्ट वेस्ट और मीरा रोड में ये सब SSC सराव परीक्षा चालू है। और SSC सराव परीक्षा का मतलब ऐसा है कि जो बच्चे SSC सराव में बैठे हैं उनको SSC बोर्ड के पहले ही मालूम पड़ता है कि अपन कहाँ तक पहुँचे, एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे और कहाँ अपन कमज़ोर है। ये पालक लोगों को भी मालूम पड़ेगा और बच्चे लोग को भी अपन मालूम पड़ेगा कि अपन कौन से विषय में पीछे है। इसलिए ये जो सराव परीक्षा रखी है इसका फ़ायदा जो यहाँ के लोग और बच्चे लोग को होने वाला है वो फ़ायदा, बल्कि हम लोग ने जो कार्य रखा है ये शिवसेना के माध्यम से आगे भी चालू रखेंगे और वो हमेशा के लिए चालू ही रहेगा। भिसे उप शहर प्रमुख विनायक नलावड़ी, उप शहर प्रमुख जितेंद्र पाठक, कार्यालय प्रमुख नंदन सिंह रावत, विभाग प्रमुख विष्णु यादव, विभाग प्रमुख मधुसूदन तांबड़े, विभाग प्रमुख नरेंद्र घरात, विभाग प्रमुख भगवान शर्मा और विभाग प्रमुख पुरुषोत्तम जांगेड, अरुण विचारे, देवीदास पाटिल, उप विभाग प्रमुख संतोष यादव, संतोष देसाई, रविन्द्र भोसले सभी लोग मौजूद रहे। मुंबई से संवाददाता मोहम्मद अनिक सिद्दीकी की रिपोर्ट, HBN न्यूज। ठाणे से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष माजी आमदार विवेक भाऊ पंडित के नेतृत्व में महानगर पालिका मुख्यालय के सामने एक दिन का आंदोलन किया गया। ठाणे से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष माजी आमदार विवेक भाऊ पंडित के नेतृत्व महानगर पालिका मुख्यालय के सामने एक दिन का आंदोलन किया गया और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। इसी को मद्देनजर उनके सहयोगी दिलीप सतारा ने थाने जिला अध्यक्ष और धनेश्वर शिरके सुल्तान मांगे थी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिवहन सेवा काम कर की मान वेतन दूसरी मांग भारत रत्न इंदिरा गांधी ने धोरण नहीं है तो फेरी वाले के लिए एक निर्धारित जगह हो जहां पर वो ठीक से अपना काम धंधा कर सके, उसके बारे में भी बात हुई है। और वो बहुत ही कम समय में उन्होंने कहा कि हम आपको उसकी भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
इसके अलावा जो एक महत्व का मुद्दा है कि एसटीपी के ऊपर जो 3 मौतें हुई, उस मौत का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये मांग हमने की है कि उनको वो क्या वो सही में वर्कर्स थे वहाँ पर, लीगल वर्कर्स थे वहाँ पर, उनकी आइडेंटिटी ली गई थी उस दिन, उनका मस्तर भरा गया था उस दिन, उनका फ़ोटो निकाला गया था, वो उनकी आइडेंटिटी क्या है, जो पेमेंट उनको दिया ऐसा कहते हैं, वो यदि कैश से दिया होगा तो कैश किसने दी, कैसे दी वो कैश, तो भाई इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इसके ऊपर ये निग्लिजेंस नहीं है बल्कि मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए, ये मांग हमने यहाँ पर भी की है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर ये कहेंगे कि 3 आदमियों की मौत होना ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक बात है, तो पुलिस भी उसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से करे, ऐसी मांग हम आज करते हैं। और मर्डर के चार्जेस एक तो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका के जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर लगने चाहिए, क्योंकि ये मौत कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं है, ये तो इसको मैं हम कहें कि ये जानबूझकर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मौत हो सकती है और तो भी आपने यदि उसकी सेफ्टी नहीं ली है तो ये मौत ही उसको माना जाएगा, तो उस तरह से उसका काम होना चाहिए और उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। इसका यह हमारी आज मांग थी, जिसमें उन्होंने हमने कुछ पेपर उनको दिए हैं, पुलिस से भी आज हमें मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं हम कि यह मौत इंसानों की मौत है, यह मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उसके लिए हम आगे भी आंदोलन करेंगे। सर, प्राइम फेस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ये आया था कि ये जो मौत हुई है इसका प्राइम फेस जो कारण है वो दम घुटना, तो अभी आपने ये मांग की कि अभी जो काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो इस तरह के खतरनाक काम करते हैं उनको मास्क और सेफ्टी के बारे में हमने सबके बारे में कहा है कि सेफ्टी ये बहुत ही ज़रूरी है, वर्कर्स के लिए भी सेफ्टी ज़रूरी है और उनके हेल्थ का चेकअप भी होना ज़रूरी है, क्योंकि 35% आयु सफाई मजदूरों की घटती है ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, तो उनका हेल्थ चेकअप रेगुलर होना चाहिए और जो भी इक्विपमेंट्स हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो उन्हें देने चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने पॉजिटिवली हमें कहा है। सर, फेरी वालों के विषय में आपको क्या जानकारी? फेरी वालों के बारे में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार जो एक कमेटी गठित की है उस कमेटी का रिपोर्ट वो जल्दी मंगाएंगे और फेरी वालों के लिए एक क्षेत्र निश्चित करके उनके लिए सुविधा निर्माण कराएंगे। महानगर पालिका आरोग्य विभाग वाहन चालक की मांग वेतन 5वां मीरा भाईंदर महानगर पालिका आरोग्य विभाग की मांग वेतन मीरा भाईंदर परिसर के फ्री वाले की व्यवसाय के लिए जगह उपलब्ध कराने की बाबत में छठा प्रश्न ये रहा कि मीरा भाईंदर रिक्शा चालक वाहन पासिंग के लिए मनपा जगह उपलब्ध कराए। जिला रीवा मध्य प्रदेश के नई गढ़ी ब्लॉक अंतर्गत शिक्षा विभाग में शिक्षक अपनी अपनी तानाशाही करने में लगे हैं। ग्राम पंचायत सुबहर ब्लॉक नई गढ़ी में ठंड के मौसम में बच्चे 10 बजे से आकर बैठ जाते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर यहां कुछ भी नहीं है। जिला रीवा मध्य प्रदेश के नई गढ़ी ब्लॉक अंतर्गत शिक्षा विभाग में शिक्षक अपनी अपनी तानाशाही करने में लगे हैं। ग्राम पंचायत सुबहर ब्लॉक नई गढ़ी में ठंड के मौसम में बच्चे सुबह 10 बजे से आकर बैठ जाते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर यहां कुछ भी नहीं है। रीवा संभाग हेड ब्यूरो चीफ सोनू, पत्रकार मध्य प्रदेश, HBN न्यूज। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।